हरदा में एक आदिवासी युवक के डिप्टी रेंजर व वन रक्षक ने बेरहमी से मारपीट कर दी। इस घटना के बाद से आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। आदिवासी समाज ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। डिप्टी रेंजर जीवन दास रघुवंशी और वन रक्षक अंकुश द्विवेदी ने जिस युवक की पिटाई की उसका नाम शंकर है और वह वोवदा गांव का रहने वाला है। शंकर ने बताया है कि वो मीटिंग के समय अपनी बात रखने गया था, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहने लगे कि कुछ ज्यादा पता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपशब्द कहे और मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद से नाराज आदिवासी समाज ने टिमंडी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत शाह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वन मंडल कार्यालय का घेराव किया और डिप्टी रेंजर व वन रक्षक के खिलाफ एक ज्ञापन सामान्य वन मंडल अधिकारी को देकर कार्रवाई की मांग की। अभिजीत शाह ने कहा कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, यदि 3 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और उत्पाटन निवेदन आया और उत्पाटन धक्का दिया, इलाज कर लिया, पैसा मांग गया मैंने, नहीं तो इलाज कर दे भैया, इलाज करने का बोले जिसका बाद में भैया उत्पाटन आ गया। डिप्टी साहब ने बहुत मारा मेरे को, मारा और उसका बाद में धक्का और गिर गया, बेहोश हो गया, मेरे को मालूम ही नीचे लिया कैसा घर। हमने इनको अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर आप कार्रवाई करिए जांच करके, क्योंकि इससे पहले भी एक बार झूठा आश्वासन मिल चुका है, नहीं करते तो बड़े स्तर पे आदिवासी समाज जो है हमारा वो आंदोलन करेगा और ये जो लड़ाई होगी ये शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ होगा। आप देखेंगे कि हमारे जो बीजेपी की जो सरकार है इसमें आदिवासियों पर अत्याचार बहुत बढ़ चुके हैं। कहीं कोई किसी पर पेशाब कर रहा है, कहीं किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाड़ रहा है। इसी के तहत ये देखो आज हमारा आदिवासी भाई है उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत हो गई है, बल्कि एक्ट्रोसिटी तहत अगर कोई किसी को गाली बकता है तो उसको सजा होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनको दादागिरी करने का अधिकार मिल जाता है। वहीं इस मामले को लेकर SDO ओम प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। ग्राम बोगदा के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि एक आदिवासी के साथ हमारे डिप्टी साहब और वन रक्षक ने मारपीट करे, उसके संबंध में हमने किया है जांच के लिए और वो गार्ड है और डिप्टी साहब उस वहाँ से हटाने के लिए मांग की। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।